ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट और कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर कांग्रेस के सरकार में कैसे लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालात हैं कि एमसी इलेक्शन के लिए वहाँ का जलालाबाद का एमएलए पुलिस के साथ खड़े होके एक जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोटेक्टी के ऊपर अपने गुंडों के साथ कैसे पथराव करते हैं, कैसे गोलियां चलाते हैं और पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर बन के वहाँ पे देखते रहती है। तो पंजाब में किस तरह का गुंडा राज है, आज मेरा ख्याल अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठने का कोई हक ही नहीं है। जहाँ एक तरफ से गैंगस्टर्स पंजाब को चला रहे हैं, अब जेड प्लस प्रोटेक्टीज का भी ये हाल हो रहा है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा आप समझ सकते तो हैं। अभी क्या स्थिति है सुखबीर जी, तो सुरक्षित है नहीं, बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति है। हमारे सारे लोगों को कागज़ फाइल करने के रोकने से एमसी इलेक्शंस के लिए किसी को कागज़ फाइल नहीं करने दे रहे थे, जिस करके ये सारा पथराव करके डरा के भगाने की कोशिश करी। जब सुखबीर जी वहाँ पे गए तो ये उनका जानलेवा हमला किया गया है, क्योंकि एक तरफ इधर जाके उन्होंने किसानों का साथ दिया है जिससे कांग्रेस बौखला गई है, और फिर ये देखते हुए कि बुरी तरह वो हार रहे हैं क्योंकि एक भी प्रॉमिस पे कंप्लीट नहीं उन्होंने पूरा नहीं किया है, तो अब पत्थरों के सहारे से और गोलियों के सहारे से वो विरोधियों को भगाना चाहते हैं, और ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट का एक नतीजा है।